गुलमर्ग जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो फूलों के प्रदेश के नाम से भी प्रसिद्ध है। लगभग 2730 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गुलमर्ग की खोज 1927 में अंग्रेजों ने की थी। कहा जाता है कि पहले गुलमर्ग का असली नाम गौरीमर्ग था, जो यहाँ के चरवाहों ने इसे दिया था। फिर 16वीं शताब्दी में सुल्तान यूसुफ शाह ने इसका नाम गुलमर्ग रखा। तो भाई अब ऐसा है, खीर भवानी माता के दर्शन करने के बाद हम लोग जा रहे हैं अभी गुलमर्ग की ओर। मतलब फ्रंट था, बैक कैमरा रास्ता देखते हैं कैसा है। थोड़ा गाड़ी में से उड़े करवाऊंगा इन न्यूज़ टीम में। हां देखो, बड़ी बड़ी प्लानिंग चलती रहती है हमारे साथ। माई वे टू गुलमर्ग, गाड़ी चेंज कर ली मैंने, हम आ गए अपनी स्कॉर्पियो में। भाई चाणक भाई ड्राइव कर रहे हैं, कल से ही ड्राइव कर रहे हैं चाणक भाई भी। बीच में डेलती मामा श्री हैप्पी भाई। सूरज कितना बढ़िया लग रहा है ना। अभी हम तनमर्ग पहुंच गए हैं, यहाँ के बाद अब गुलमर्ग स्टार्ट हो जाता है। गुलमर्ग की सारी हिल्स का एरिया स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक जो था प्लेन एरिया था श्रीनगर से यहाँ तक, यहाँ के बाद जो है शुरू हो जाएगा हिल्स, एक्सट्रीम हिल्स है। जैसे हमने यहाँ पे एंटर किया है, मौसम का मिजाज एकदम चेंज हो गया है। इसी से उतारेंगे, इसी बंद करेंगे। हाँ अभी उतारते भाई, पोल्यूशन नहीं उतार दे। पोल्यूशन तो नहीं है ना, पोल्यूशन है ना मिट्टी, यहाँ कहाँ पोल्यूशन। मजा ना लिया दे बल्कि भर दो। हाँ ये देखिए भाई साहब, जबरदस्त जबरदस्त। भाई यार सारे गुमसुम हो गए बैठे हैं यार। हैं भाई गाड़ी चला रहे हैं भाई की, मैं बोल रही हूं डिस्टर्ब ना हो इसमें। ना ना डिस्टर्ब क्यों होना है, कुछ बताओ यार यहाँ की खासियत। ये भाई यहाँ पे ग्रुप पे हैं, दो पार्टीशन में ग्रुप पे है। आपको मंडोला जो है वो आपको ऑनलाइन वर्ल्ड का हाईएस्ट है जी। और आपको ये ऑनलाइन ही कराना पड़ेगा, बिकॉज ऑफलाइन कोविड के बाद से बंद कर दिया उधर, तो ऑनलाइन अगर आप करा के आते तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे दो रोप में है, फर्स्ट और सेकंड। सेकंड के ऊपर जाएंगे तो आपको फ्रोजन लेक भी दिखाई देगी। कैमरे से जस्टिफाई नहीं होगा, नहीं तो इन पेड़ों के जो ये जो सामने आप पेड़ देख रहे हैं ना, पेड़ों के पीछे ना एक वो है स्नो कैप्ड माउंटेन है, और उसका व्यू बड़ा प्यारा आ रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कहीं से अगर दिखेगा तो रोक के आपको दिखाऊँ। सामने देखिए ये स्नो कैप माउंटेन, बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। तो भाई लोग हमारे यहाँ कॉफी के लिए रुके हैं, अभी चाय कॉफी कुछ लेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा हम चलेंगे वो गोल्फ कोर्स जो आपको दिखाया अभी सामने मैंने। ये व्यू है पूरा गोल्फ कोर्स, यहाँ पे स्कीइंग वगैरह सब होता है,
विंटर सीजन में, बट अभी के सीजन में गोल्फ टाइप का कुछ बना हुआ है यहाँ पे, तो वो होगा। और भाई हमारा राजा, इतना खूबसूरत नज़ारा है भाई, मज़ा आ गया। गुलमर्ग में फर्स्ट टाइम आया हूँ, लेकिन जितना देख रहा हूँ ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत है यार, अल्टीमेट। जबरदस्त भाई साहब, ओए होए। मैगी चल रही है हमारे भाई लोगों की, पहाड़ों में आके मैगी नहीं खाई तो क्या खाया है जी? मैं भी खा लूंगा जी। तो अपडेट ये है कि ठंड बहुत हो गई है और मेरा सामान जो है जैकेट वगैरह गाड़ी में रखा हुआ, गाड़ी पता नहीं कहाँ घूम गई है, वो लोग अभी आए नहीं है। मैं भाई साहब के साथ था दूसरी गाड़ी में। तो भाई हम लोग अभी आए हैं अपना डिनर लेने, डिनर लेके आपको दिखाएंगे होटल। होटल का मैं दिखा नहीं पाया, वीडियो बना नहीं पाया, क्योंकि सडनली आ जाओ कॉल पे कॉल आ रही थी। तो अभी आपको मैं होटल का भी दिखाऊंगा। ये हमारा जो है यहाँ पे हम रॉयल वैष्णो ढाबा है, तो हम डिनर लेंगे अभी। सब लोग अंदर ही हैं, मैं थोड़ा बाहर आ गया आप लोगों से बात करने के लिए। तो काफ़ी अच्छी डेस्टिनेशन है, लेकिन रूम्स और होटल्स बड़े महंगे हैं यहाँ पे, बस वही एक कंसर्न है, बाकी सब ठीक है। चलिए खाना खाते हैं फिर मिलते हैं। फास्ट आज इनका वी आर गेट सेट रेडी, बैग पैक कर लिया हमने वापस अपने, नहा धो लिया, फ्रेश हो लिया, सब काम हो गया है। अब चलते हैं, निकलते हैं, सब भाइयों को बोलते हैं, देख के आते हैं सब लाइव रेडी हुए कि नहीं हुए। हेलो, रेडी हो गए सब? रेडी बिल्कुल। ससुरा सब लेट करवाओ। रेडी एज यूजुअल, रेडी आई एम ऑलवेज रेडी। काफी अच्छा रिसॉर्ट है, बस थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन। तैयार हो आप? वहीं रखा था बैग में मामा, ऑल सेट ना है गुरु मामा। तो गाइस हमने कर दिया चेकआउट, गाड़ियां दोनों वहां खड़ी है, एक स्कॉर्पियो खड़ी है और एक उधर इनोवा खड़ी है, वो लेके आ रहे हैं। हम जाएंगे अभी गंडोला, और यहाँ से आपको शायद विजिबल नहीं होगा, वो सामने ना, वो सामने जो पोल्स लगे हुए हैं, मैं जूम करके दिखाता हूँ। देन इसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे हम बालटाल के लिए। ये रिसॉर्ट का नाम है, काफ़ी ठीक ठाक ही फैसिलिटी है, ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे, प्राइस के अकॉर्डिंगली तो महंगा ही है। और ये नीचे कुछ गोल्फ टाइप के बनाया हुआ है यहाँ पे लोगों ने, सारे फ्लावर्स हैं। विदाउट स्नो तो इतना कुछ देखने के लिए है नहीं, बाकी ठीक है, हर एक चीज़ का अपना एक। शाम का मौसम काफ़ी अच्छा था यहाँ पे, शाम को काफ़ी अच्छा लग रहा था, बट अभी जैसे मौसम में धूप वाला है तो उतना मज़ा नहीं आ रहा देखने में। आप मुझे कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। ये गंडोला का ये है भैया, यहाँ से
इधर से जाना है, इधर से चलना है। तो गंडोला एंजॉय करेंगे, बट सेकंड फेज का नहीं मिल पाया यार। दिखाओ टिकट, आगे आगे दिखाना है। ये गंडोला ट्रेली ट्रॉली से भी बैठेंगे गंडोला में, ये मज़ा आएगा। मैं फर्स्ट टाइम बैठूंगा तो काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है। फाइनली ये ट्रॉली है, गंडोला ट्रॉली इस तरीके से। आप कितने हो? बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही है भाई। देखो कितनी हाइट है नीचे, ये देखिए। तो बाइक पहुंच गए हम अपनी डेस्टिनेशन। बहुत मजा आया यार। गाइस ये हमारा भाई इंदर नेताजी, हमारे बीजेपी के समर्थक हैं। बीजेपी के भावी नेता, भावी नेता कार्यकर्ता, अगले पर्यटक मंत्री यही होंगे हमारे। बहुत नॉलेज है भाई को। बहुत तेज धूप है, बहुत तेज धूप है। हवा में भी उतनी ठंडक नहीं है जितनी होनी चाहिए। अल्टीमेट व्यूज है गाइस, मजा आ जाता है अगर और ऊपर हम लोग वहाँ। वो आप देख रहे हैं मेरे पीछे वो ऊपर, अगर हम वहाँ जा सकते तो और मजा आ जाता है। यहाँ उतना एंजॉय नहीं कर सकते यार। अगर आप आ रहे हो तो पहले से एडवांस बुकिंग करके आओ सेकंड फेज की, तभी फायदा आएगा आपको। हम पीछे का व्यू दिखा दूँगा। ये ओपन वाली ट्रॉली है, ओपन वाला गंडोला रोप वे। ये सिर्फ स्नो पे चलते हैं, स्नो पे और स्कीइंग के टाइम। जब स्कीइंग करनी होती है तो लोग इसी से ऊपर जाते हैं और सीधे कूद जाते हैं वहाँ से स्की पहन के। एडवेंचर है भाई, एडवेंचर की कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन जो ज़्यादा एडवेंचर करते हैं ना उनकी लगती भी बहुत बुरी है।